इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुए चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं, जिसमें एनडीए के तमाम दावे धराशायी हो गए हैं। कुल 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिसमें एनडीए सत्ता से बाहर होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। वहीं जिन एग्जिट पोल में एनडीए पीछे दिख रही है, उसमें सबसे पहले लोक पोल का सर्वे है, जिसमें एनडीए को 115 से 128 सीटें मिल रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को बहुमत यानी 151 से 162 सीट मिल रही है। वहीं अदर्स को 5 से 14 सीट मिल रही है। वहीं इसके साथ ही दूसरा एग्जिट पोल एसएएस ग्रुप का है, जिसमें एनडीए को 127 में से 135 सीट मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को इसमें भी बहुमत मिल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन को 147 से 155 सीटें और अदर्स को 10 से 13 सीटें मिल रही हैं। वहीं इसके साथ ही तीसरा और आखिरी एग्जिट पोल भास्कर पोल का है, जिसमें एनडीए को 125 में से 140 सीट, इंडिया गठबंधन को 135 में 150 सीट और अदर्स को 20 से 25 सीट मिल रही हैं।